तो आज हम सीख रहे हैं इलस्ट्रेटर पे कि इमेज को ट्रेस कैसे किया जाता है। अब इमेज ट्रेसिंग मकसद कहने का ये है कि अब जैसे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं हम बना नहीं पाते, या कोई हमें फोटो देता है ये डिज़ाइन बना दें, ये स्टाइल बना दें, या इस तरह का कोई लोगो या कोई इस तरह की चीज़, उसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। तो ट्रेसिंग के जरिए हम उसको इजीली कर सकते हैं, लेकिन वो भी इजी नहीं है, पर ये कि थोड़ा आसान हो जाता है, एक आइडिया हो जाता है हमें। लेट सपोज अगर अभी हम मिसाल के तौर पे फाइल में जाके यहाँ से एक पिक्चर लेंगे, प्लेस करेंगे, और यहाँ पे जाके हमने वो पिक्चर ली, वो ये थी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में चले गए, यहाँ पे क्लिक करके हमने AI फाइल्स में चले गए, असाइनमेंट्स में चले गए, और वहाँ पर हमारे पास ये इस तरह की एक पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पिक्चर आ गई। अब आपको ये लोगो बनाना है फॉर एग्जाम्पल, और आपको ये लोगो बनाने के लिए डायरेक्टली आइडिया ही नहीं हो पा रहा कि मैं कैसे बनाऊँ, तो ट्रेसिंग के जरिए आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए आप F7 दबा के पहले लेयर्स को एक्टिवेट करेंगे। लेयर्स को एक्टिवेट करने के बाद आपने इस वाले डिज़ाइन को जितना इसको बड़ा छोटा करना है वहाँ से ऑल्टर शिफ्ट के साथ करने के बाद यहाँ पे जाके आप इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये खुल गया। इसको यहाँ से डिम कर देंगे, और डिम करके इसको 40-30% पे आप इसको डिम कर लेंगे, उसको ओके करेंगे तो ये लाइट हो जाएगा। उसके बाद ये ब्लू साइन आ रहा है इस पर से भले हटा दें, और ये जो क्रॉस साइन आ रहा है इसको इम्बेड कर दें। जैसे इम्बेड करेंगे तो अब ये इसका पार्ट बन जाएगा। इसको लॉक कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से एक नई लेयर ऐड करा लेंगे, और यहाँ पे ये आपको इस तरह से नजर आएगा। अब इसको ट्रेस कैसे किया जाए? ट्रेस करने के लिए आपके पास जो टूल है वाहिद, उस टूल का नाम है पेन टूल। इस लेयर के ऊपर हम इसको ट्रेस करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ पे। और किस तरह से करें, कुछ चीज़ों को ट्रेस करना आसान है और कुछ चीज़ों को बहुत ही थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से भी कर सकते हैं। पेन टूल लेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे इसके इस नॉट पे, और इसको क्लिक करेंगे इस नॉट के ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्केप कर देंगे, ये इसकी स्ट्रोक बन गई लाइन। और इस पर क्लिक करके यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके स्ट्रोक लाइन देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कलर दे देते हैं, या ब्लू दे देते हैं, ग्रीन दे देते हैं, या इस तरह का कोई भी कलर देंगे, तो ये इस तरह से इस पे आ जाएगा। अब आती है बात इसके ऊपर कि भाई ये इस तरह से कैसे काम करेगा, तो इसको देखें हम कैसे करेंगे। इफेक्ट्स में जाएंगे, वार्प पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्लैग इफेक्ट लेंगे। फ्लैग इफेक्ट लेने पे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको वर्टिकल करेंगे, और इसको कितना परसेंट हमें करना है देख लें, यहाँ से मैं समझता हूँ 65% इनफ रहेगा इसके लिए। तो 65% इसको हमने रोटेट किया, और ये देखें इसके मुताबिक ये पूरा सेट हो गया। जैसे इसको ओके करेंगे तो इस पर अप्लाई हो गया। इसका इनसाइड हम यानी कि फिल को ख़त्म कर देंगे, और ये आपके सामने ऐसा बन गया। अब इसके ऊपर कुछ थिकनेस वगैरह अप्लाई करनी है, कुछ चीज़ें इस पर डालनी है, तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके इसकी जो थिकनेस है उसको हम स्ट्रोक के प्रोफाइल में से जाके पहले इसको इस तरह से करेंगे, और फिर इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा के 5 पॉइंट पर रख लेते हैं। तो ये देखें इस साइड से भी बारीक है और इस साइड से भी बारीक है, और ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद इसी तरह का एक दूसरा चाहिए, तो उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं हम, या तो इसकी डुप्लीकेट ले लें पहले हम यहाँ पर, और उसको ऐसे रख लें। तो देखें ये बिल्कुल उसी के मुताबिक ही बना हुआ है, और ये इस तरह से नज़र भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन साइज़ में थोड़ा सा वेरिएशन है, ये थोड़ा बड़ा है और वो थोड़ा छोटा है, तो आप इस तरीके से इसके शिफ्ट के साथ इसके साइज़ को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, या आई थिंक सो अल्टर शिफ्ट के साथ भी इसके साइज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये उसके साइज़ के मुताबिक बिल्कुल सेट हो गया। तीसरा वाला भी आपने लेना है तो उसको इस तरह से डुप्लीकेट करके ले लें, और वो इससे भी बड़ा है और वो ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो ज़्यादा फैला हुआ है ये थोड़ा सा टेक्निकली हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसको अगर मैं खींच के आगे लेके जाऊँगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, और फिर हम इसको ट्राई करते हैं पेन टूल के जरिए। अब पेन टूल के जरिए कैसे करेंगे इसको देखिए, मैंने यहाँ से क्लिक किया इस एज से, और इस एज से मैं लेकर आया इसको इस तरीके से नीचे की तरफ, और फिर यहाँ से मैं इसको ले गया सपोज टू बी इस एज से क्लिक करके आगे की तरफ, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं इसको ले गया सपोज टू बी यहाँ से थोड़ा सा और आगे की तरफ, और यहाँ से ले जाके मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे जब ड्रॉप कर दिया तो यहाँ पर इसकी जो थिकनेस वगैरह है इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ से इसके वही 5 पॉइंट्स का हमने इसको दिया, और यहाँ पे क्लिक करके जो उसका प्रोफाइल था वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे सेट करने पर हमें मालूम हो रहा है कि देखें ये यहाँ से तो पतला है, यहाँ से मोटा है, और यहाँ से भी मोटा है, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने एक टूल है जिसका नाम है विड्थ टूल। ये
विड्थ क्या करेगा, ये स्ट्रोक्स की विड्थ को बढ़ा देता है। ये देखें इस तरह से कैसे बढ़ा रहा है, देखें साइड से विड्थ ये बढ़ रही है, विड्थ कितनी बढ़ानी है। तो अब यहाँ पे हर पॉइंट के ऊपर आप अपनी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ इतनी रखनी है, या इस एंकर पे मुझे इसकी विड्थ कितनी रखनी है, यहाँ से देखें उतनी, फिर ये विड्थ को ऐसे बढ़ा देगा। देखा आपने, यानी कि ऊपर और यहाँ से पतला ही है, लेकिन यहाँ से थोड़ी विड्थ ज्यादा थी तो मैंने इस टूल के जरिए इस विड्थ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी विड्थ ज्यादा रखनी थी तो मैंने यहाँ पर भी एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ से देखें आहिस्ता आहिस्ता पतला, यहाँ से थोड़ा सा मोटा, और ये आगे जाके थोड़ा सा और मोटा और पतला, इस तरह से हो रहा है। इसके लिए मजीद हमारे पास ऑप्शन है जिसको हम कर सकते हैं। अगर विड्थ टूल आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझना है, तो ये देखें इस विड्थ टूल पे हम इसकी विड्थ को और थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। ये देखिए कम हो जाएगा यहाँ पे जाके, और जहाँ पे बढ़ाना है वहाँ पे जूम करके इस तरह स्ट्रोक्स की विड्थ को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं, देख रहे हैं। इसी तरह ये पीछे वाले जो हमने बनाए हैं, अब इनके अंदर अगर इसकी विड्थ को एक्सटेंड करना है तो इनके एंकर्स देखने होंगे जो कि यहाँ कोने पर ही है, क्योंकि हमने बीच में इसके ऊपर कोई पॉइंट ऐड ही नहीं किया। आई थिंक ये पॉइंट है इसके साथ, तो देखें इसको यहाँ से हम बढ़ाएंगे। आई थिंक इस पर क्लिक करते हैं, ये पॉइंट आया हमारे पास, तो ये देखिए थोड़ा सा पीछे वाला एक्सटेंड हो रहा है, ज़्यादा पतला हो गया था। इसको प्रॉपरली हमें पहले सेलेक्ट करना होगा, फिर ही जाके हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे इसको। तो ये लेने के बाद हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो विड्थ वाला है ये कैसे काम कर रहा है, मैंने इस पर तो आपको अप्लाई करके बता दिया, इसको थोड़ा सा अलग से भी समझ लें कि देखें जब भी कोई आपने ये स्ट्रोक बनाया, अब इस स्ट्रोक को अगर थिकनेस वगैरह आपको ज़्यादा कम करनी है तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली। कैसे, देखिए यहाँ पे आपने क्लिक किया और ये विड्थ टूल लिया, और यहाँ से इसको थोड़ा सा क्लिक करके समझने की कोशिश करें। अगर दोनों तरफ से गोल करना है तो आपके पास स्ट्रोक्स का पैनल एक्टिवेट होना चाहिए, तो यहाँ स्ट्रोक्स पे चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से स्ट्रोक्स को अलग कर लेते हैं, यहाँ से क्लिक करके शो ऑप्शंस कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको गोल कर देते हैं। तो यहाँ पे गोल कर सकते हैं, यहाँ पे इनसाइड कर सकते हैं, आउटसाइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे से की जा सकती हैं। विड्थ वाला टूल आपको ऐसे हेल्प कर सकता है कि यहाँ से आपने विड्थ वाला टूल लिया और इस एंकर के इस नॉट पे क्लिक करके देखें इस तरह से आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। ये देखिए, अब ये देखें इस तरह का शेप इसने किस तरह से इजीली निकाल लिया। इवन दो कि आप इसको ऐसे करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह से राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये कर सकते हैं, इस तरह खोल दिया, और इसके पास ये वाला पॉइंट लेके आप इसको ऐसे कम भी कर सकते हैं, ठीक है, और यह आगे ले जाके फिर आप इसको यहाँ से भी इस तरीके से कम कर सकते हैं। देख रहे हैं ये शेप इस तरह से कैसे इसने निकाला। फिर आप इसी पॉइंट को थोड़ा सा और आगे ले जाइए और फिर इसको और कम कर दीजिए इस तरीके से, और आगे ले जाइए इसको, और इसको इस तरह से टूल देता जाएगा, और ये देखें इस तरह का शेप आप इजीली इसमें से निकाल सकते हैं, जो नेचुरली इसमें से आप नहीं कर सकते। इवन दो कि यहाँ पे आगे जाके हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया और इसको पकड़ के हम यहाँ पे ले आए पीछे की तरफ, तो ये इस तरह से हो गया, और इसको हमने यहाँ से पकड़ के अगर गोल कर देते हैं यहाँ से, तो ये देखें गोल हो जाएगा, और इसको फिर हम इस तरह से पकड़ के यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करके इसको इस तरह से और मोटा भी कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से हर पॉइंट के ऊपर हम अलग तरीके से स्ट्रोक्स को, उसकी विड्थ को मैनेज कर सकते हैं। सेलेक्ट करके हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया। अब आते हैं बाकी वाले मैटर के ऊपर जो हम इस पर काम कर रहे थे। तो इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए भी हमें पेन टूल की खासी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और टूल भी है जो पेन टूल के बिहाफ पे यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्टर टूल। इसको भी यूज़ करके देखें, देखें स्ट्रेसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ये देखिए यहाँ क्लिक किया और फिर मैंने इसको इसे क्लिक करके एक इस तरह का इस पर कर्व डाला, ये ऑटो कर्व ले रहा है। तो अगर मेरा कर्व गलत हो रहा है तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ इसको, और देखिए अब परफेक्ट हो रहा है, ये सेट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करके इसके साथ यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। और फिर आगे की तरफ अगर हमें जाना है इसमें कन्वर्टर टूल में, तो ये देखिए आगे हम इस पर इस तरह से जा रहे हैं, और यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए मेरा कर्वर्चर टूल यहाँ पे सही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आगे चले जाते हैं, और ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा इजी लग रहा है लगेगा उससे, यहाँ ले आए और फिर यहाँ से हम और आगे चले गए। यहाँ पर हम जाने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दिया, और अब इसके अंदर हमें क्योंकि डुप्लीकेशन आनी पड़ेगी दोबारा से, तो यहाँ से क्लिक करके हम दोबारा से यहाँ पर क्लिक किया, और इसको देखें इस तरह से परफेक्ट निकाल लिया। और यहाँ से क्लिक करके हम उसके गोल वाले पे आए, और यहाँ पर क्लिक करके हमने इसको इस तरह से इजीली कर्व कर दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे क्लिक करके हमने कर्व नहीं करना था, बल्कि यहाँ पे क्लिक करके करना था, और देन फिर हमें यहाँ पे क्लिक करके करना था, एंड देन फिर हमें सीधा जाना था। अब सीधा तो नहीं जा पा रहा, इस पर क्लिक करते हैं एक दफ़ा फिर से ऑल्टर के साथ, तो ये सीधा हो गया यहाँ से। और इसके फेस पर हमने यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है, तो ये मुड़ रहा है, तो ऑल्टर के साथ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको। अब ये भी सीधा ही जाएगा क्योंकि इसमें गोलाई तो है नहीं, थोड़ी सी गोलाई है, ले लेते हैं इसको गोल के साथ, इस तरह से फेस आ जाएगा इसका, और थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं। थोड़ा यहाँ पे मामला
खराब हो रहे हैं हमारे, यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे रख के ऐसे लेकर आते हैं, और यहाँ से क्लिक करके फिर यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा जूम करें इसको। हाँ, तो यहाँ से क्लिक करके ऐसे ले जाते हैं, फिर यूं कर लेते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं यहाँ से क्लिक करके कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ से इस तरह चले जाते हैं, एंड देन फिर यहाँ से इस तरह से। थोड़ा गलती हो गई इसके अंदर, यहाँ ले लेते हैं, बल्कि ये यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, तो ये इस तरह से क्लिक कर देते हैं, ऑल्टर के साथ सीधा चले जाते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ मिलाने के बाद इससे नहीं, ऑल्टर के साथ क्लिक करते हैं यहाँ पे इस पे, और यहाँ से क्लिक करके फिर हम इसको मिलाने के बाद आगे नहीं जा रहा ये, ऑल्टर के साथ यहाँ एक दफ़ा और क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ से फिर इसको ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं ये ऐसे करके, और ले जाके इससे मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह का मामला हमने इसके साथ कर लिया। कर्वेचर टूल में हमें थोड़ी आसानी हुई, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये और बेहतर हो जाएगा। उसके बाद जो भी एरियाज इसके सेट नहीं है उसको आप कर्वेचर टूल से भी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके कर्वेचर टूल से क्लिक करें और उसको जैसे चाहें उसको मैनेज कर सकते हैं, आगे पीछे इसके बैंड्स को ऐसे मूव कर लें, आगे पीछे ले जाएं, इसको नीचे कर लें, आगे कर लें, ये सारी चीज़ें तो आप इसके अंदर ईजी कर सकते हैं। जैसे इस चीज़ को आप थोड़ा सा आगे पीछे मूव करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए इस तरह से आगे पीछे मूव हो जाएगी, और यहाँ पर ये इस तरह से आएगा आपके सामने, और यहाँ से क्लिक करके ये गोल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, इसको पीछे करना चाह रहे हैं और ज़्यादा पीछे हो गया तो ये वाला थोड़ा सा नीचे लाना चाह रहे हैं, ये सेट हो गया, सही है ना। तो देखें इस तरह से काफ़ी सारी सेटिंग्स को आप इजीली इसके अंदर बिठा सकते हैं। ये वाला थोड़ा सा आगे ले जाना चाह रहे हैं, ये देखिए ये भी सेट हो गया। तो ये सारी सेट चीज़ें जो है ना आप इसके अंदर कर्वेचर टूल से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो ये आपको इस तरह से सेटिंग्स बनाने में हेल्प करेगा। तो देखिए हमने ट्रेस कर लिया और ये हमारा कंप्लीट हो गया। लाइकवाइज अब इस तरह से ये फूल पत्तियां भी ट्रेस की जा सकती हैं, और सारी चीज़ों को हम इसमें कर लेंगे। हमारा डिज़ाइन इस पर से निकल आया है। अब हमने करना ये होता है इसके अंदर कि अब हमें अपना ये पीछे वाला जो बैकग्राउंड है, लेयर्स को एक्टिवेट करेंगे F7 की शॉर्ट की मदद से, इसको विजिबल करके इनविजिबल कर देंगे, और ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है हमें, इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से क्लिक करके इस पर क्लिक करना है, और इसमें जो भी कलर शेड्स या ग्रेडियंट्स या वॉट एवर जो पिक फोटो वगैरह हमें इसमें लगाना है तो वो हम इसमें लगा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम इसमें कोई कलर भरना चाह रहे हैं तो ग्रेडियंट्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से विंडोज़ में जाके यहाँ से एक ऑप्शन लेंगे, ग्रेडियंट्स ले लेते हैं कुछ लाइब्रेरीज में से, और यहाँ पे हमें बनाए बनाए काफ़ी सारे ग्रेडियंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा ग्रेडियंट हमारे काम का है, ये वाला ग्रेडियंट इस पर डाल देते हैं। तो ये देखें इस पर अप्लाई हो गया। कोई और लगाना चाहें तो इस तरह का ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, इस तरह का भी लगा सकते हैं। अब मसला ये आएगा कि अगर आप ग्रेडियंट इस पर लगा रहे हैं तो वो इस पर तो लग गया ग्रेडियंट, स्ट्रोक आप इसका ख़त्म करना चाह रहे हैं, नो स्ट्रोक कर दें, ख़त्म भी हो गया, ठीक है। लेकिन इन पर वो ग्रेडियंट कैसे लगेगा, क्योंकि ये भी तो उसी कलर ग्रेडियंट पे लगने हैं ना। तो टेक्स्ट इनको पहले सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इस तरीके से, ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जब सेलेक्ट हो गए इसको थोड़ा अरेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अरेंज हो गया ये यहाँ पे, और जब ये थोड़े से अरेंज हो ही गए हैं तो हम इसको थोड़ा सा इनको तीनों को सेलेक्ट करके, तीनों को सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड, और इसको कर दिया एक्सपेंड एक्सपीरियंस, तो ये हमारे पास एक्सपेंड हो गया। अब इनके ऊपर भी हम ग्रेडियंट लगा सकते हैं, ये वाला ग्रेडियंट इस पर लगा देते हैं, और ये वाला ग्रेडियंट हम इस पर लगा देते हैं, और ये वाला ग्रेडियंट हम इस पर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये देखें हमने इसमें से ट्रेस करके बना लिया। स्ट्रोक्स को रिमूव करने के लिए सबको सेलेक्ट किया और स्ट्रोक्स को हमने यहाँ से नन कर दिया ताकि स्ट्रोक्स इस पर नहीं रहे। तो ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे देखिए इस तरह से रेडी हो गया। तो इस तरह कोई भी लोगो, कोई भी इमेज आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।